3,250 करोड़ की जल योजना की सौगात दी और इसके साथ ही बुंदेलखंड की जनता को बड़ा संदेश भी दिया। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा को न सिर्फ 3,250 करोड़ की जल योजना की सौगात दी बल्कि वहां की जनता को भी बड़ा संदेश भी दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन बांध परियोजना का भी शुभारंभ किया। बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। आने वाले समय में यहां सैकड़ों उद्योग लगेंगे, युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को विश्वास जताया कि अगर उनकी सरकार को और मौका दिया गया तो बुंदेलखंड को भी तेज गति से विकास करने वाला शहर बना दिया जाएगा और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुंदेलखंड दौरे को महत्वपूर्ण बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा नल जल योजना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सौगातों पर सौगात दे रहे हैं। अब जनता इन सौगातों का आने वाले चुनाव में क्या सिला देती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और